हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको UPNHM स्टाफ नर्स के आंसर की बताने जा रही हूँ, जिसका एग्जाम 27 जनवरी 2019 को हुआ था। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, पाचन तंत्र में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें हमारा सही आंसर है पहला, अंतर्ग्रहण यानी कि इंडाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, पदार्थ जो एक अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर ए सही होगा, उसे एंटीजन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज, सूंघने की क्षमता की कमी को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही था, एनोस्मिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, निम्नलिखित में से कौन चार प्राथमिक परीक्षण संवेदनाओं में से एक नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, स्पाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रांगेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज, शरीर की सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, इलियोफिमोरल लिगामेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज, हड्डी के प्रमुख घटक कौन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट फॉर नीडल प्रिक इन ए नियोनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के लिए नवजात में कौन सा सबसे सही स्थान है नीडल प्रिक करने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, हील यानी कि एड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ OPV इज गिवेन, नेशनल इम्यूनाइजेशन के अनुसार OPV की फर्स्ट डोज कब दी जानी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 6 वीक्स यानी कि 6वें सप्ताह में पहली डोज देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ एडोलसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCHA+ इज ऑल एक्सेप्ट, RMNCHA के अनुसार किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान देने के अलावा सभी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, कैंसर काउंसिलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज एट मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया, भारत में लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन एंड फॉलिक एसिड IFA टेबलेट फॉर एडोलसेंट इज कलर्ड, आयरन फॉलिक एसिड की गोली एडोलसेंट किशोरों के लिए कौन सी कलर की दी जाती है गोली। तो वो है ऑप्शन बी, ब्लू कलर की गोली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCTS, MCTS का पूरा नाम क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर एक्सेप्ट, TB के सभी सामान्य लक्षण है सिवाय। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, वेट गेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 एजेंडे का हिस्सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा का पूरा नाम क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवेन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, पैरासीटामॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज, हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 21%।
नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2018 वाज, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 का थीम क्या था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का अधिकतम भंडार है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट, श्वसन केंद्र स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बाई विच ड्यूरामेटर एंड वर्टिब्रल वाल इज नोन एज, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है एपिड्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अकर्स इन द, ऑप्शन बी सही है जेजुनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, राइट आंसर है ऑप्शन ए 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है हर्नियोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है स्टेज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन्स इज, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है पेरिओस्टियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, इसमें हमारा राइट आंसर बी है नेफ्रॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन बी टू, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनली इंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन इज, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वन नीड्स टू ऐड 9 कैलेंडर मंथ्स टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन आल्सो ऐड, ऑप्शन डी सही है 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड एज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है ब्रैडीपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूस्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज नोन एज, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको एडिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर एक्सेप्ट, ऑप्शन सी सही है फीटल हार्ट रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लेगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिफर्ड एज, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ट्यूबेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज फॉर्म्ड, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर इज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, एल्कोहल एब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज, राइट आंसर ऑप्शन सी 31 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैट्स इज कंसीडर्ड टू बी हार्मफुल टू द बॉडी, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ट्रांस फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन ए सही है, प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल इज, ऑप्शन ए सही है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बिलो द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एब्यूडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कनेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा इज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ECG द पी वे रिप्रेजेंट्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ डिलिबरेटली एंडिंग ए पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यूथेनिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिज ए पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन विल कॉज अल्जाइमर्स डिजीज, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स शुड बी अवॉइडेड बाय नर्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बेलिटिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUCD स्टैंड्स फॉर, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SAM स्टैंड्स फॉर, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन प्रेग्नेंट वुमन। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 3 डोज ऑफ टेटनस 1 in each मदर एंड बेबी ट्राइमेस्टर इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एमंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल मूवमेंट्स अकर ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, रिट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम MTP एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर WHO पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस ऑफ मोर देन डैश ml। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मम्स इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर वुड द नर्स एसेज एज क्राउनिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल इन बिटवीन द सूचर्स इज नोन सो। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फोंटानल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैंसन्स डिजीज इज द अदर नेम ऑफ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लेप्रसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्नेलन चार्ट इज यूज टू एसेज डिफेक्ट इन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपगार स्कोर 9 मीन्स बेबी कंडीशन इज। राइट आंसर ऑप्शन ए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म्ड इन ए चाइल्ड हु इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेनिनजाइटिस इज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लंबर पंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिजीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अदर नेम ऑफ पर्ट्यूटिस इज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वूपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलेसिस्टेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस फॉर TB एक्सेप्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी, साइक्लोसेरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ए नर्स यू शुड वियर ग्लव्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। राइट आंसर ऑप्शन डी,
all the above. Next question is, the most frequent complication of mumps infection in young male child is? Right answer, option A, orchitis. Next question is, 0.45% saline is A. Right answer, option B, hypotonic solution. Next question is, excess urine output known as? Right answer, option B, polyuria. Next question is, development of dot in the vein is known as? Right answer is, option C, thrombosis. Next question is, short stature is a type of dash disorder? Right answer, option C, metabolic. Next question is, rice water stools are observed in? Right answer is, option B, cholera, yani ke haja. Next question is, anti-infective vitamin is? Right answer, option A, vitamin A. Next question is, the main solute component of urine is? Right answer, option A, urea. Next question is, which of the following cells are involved in bone resorption? Right answer is, option C, osteoclasts. Next question is, light ray entering the eyes are controlled by? Right answer, option A, pupil. Next question is, in human immunodeficiency virus HIV, what kind of immunity lost? Right answer is, option D, cellular immunity. Next question is, which of the following is a specific investigation to detect seizures? Right answer is, option C, EEG. Next question is, Sailor's fracture refers to the injury of? Right answer is, option C, wrist joint. Next question is, genetics is the study of? Right answer is, option D. Next question is, eating behavior is controlled by? Right answer, option A, hypothalamus. Next question is, greenish yellow color of amniotic fluid indicates? Right answer is, option C, post maturity. Next question is, the most common site of ectopic pregnancy in fallopian tube is? Right answer is, option A, ampulla.